वापस हो पाए। मगर क्या ये लड़ाई यही तक खत्म होगी क्या? तो आप लोगों को और यहाँ उनका प्रशासन होता है, जैसे आप सुनते हैं तो उनका गुप्तचर विभाग होता है, वो भी रिकॉर्ड करता है और वो उनके सरकार को पहुंचाता है, लोग उग्र हो गए। इसीलिए कुछ मौलिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस देश में चुनाव आयोग को बंदिश तो बना लिया है ब्राह्मणवादी लोगों ने। ये सारा जो खेल हो रहा है, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को मार दिया जा रहा है। जैसे चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहा है, उसी तरह न्यायपालिका भी आरएसएस का ही प्रवक्ता बनकर काम कर रही है। जब यह विवाद हो रहा था, तब एक आदमी मथुरा कोर्ट में गया और कैसा गया, तो रंग बिरंगे कलर लगाकर कोर्ट में चला गया और मथुरा के कोर्ट के जज ने उसको पूछा, तुम कौन हो, बहुरूपी के रूप में क्यों आए हो? तो उसने कहा, मैं जानते नहीं हो, मैं खुद कृष्ण भगवान हूँ। अरे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रशासन का कैसे मिसयूज किया जा रहा है। और वो पत्रकार भी कितना महान होगा जिसने बढ़ चढ़कर ऐसा मसाला डालकर छापा। जज ने बोला, क्यों आए हो? बोले, मैं अपनी खुद की पैरवी करने आया हूँ। ये जो मस्जिद है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और जज ने उसकी बात सुना, कितना महान जज होगा। जज ने क्या करना चाहिए था कि इसको जेल में डालो, ये कानून की प्रक्रिया नहीं है, इसको जेल में डालो। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था जब फैजाबाद कोर्ट में जब राजीव गांधी को प्रचार करना था लोकसभा का, तो उसने ऑर्डर दिया फैजाबाद के जज को, तो जज ने भी बंदर को, काले बंदर को देखकर ऑर्डर किया, दरवाजा खोल दो क्योंकि काला बंदर रोटी नहीं खा रहा है, मेरे को ही देख रहा है। उसका चेहरा देखकर मुझे करुणा आ गई और उस ब्राह्मण जज ने ऑर्डर दिया, ताला खोलो। ऑर्डर दिया राजीव गांधी ने, मगर बोलने लगा, वो काले बंदर की देखकर मुझे रहा नहीं गया। और जब मैंने दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया, तो जब मैं घर गया तो वही काला बंदर मेरे सरकारी आवास के बरामदे में आकर उछल रहा था। ऐसे जज को बाद में हाईकोर्ट का जज बनाया। तो देश की न्यायपालिका पर हमें यकीन और विश्वास नहीं है। ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये आरंभ है, इसका अंत भी हमें ही करना है। यहाँ से हम जब जाएंगे तो अपने समाज को हमें बताना है, ये 3.5% ब्राह्मण लोग पार्लियामेंट पर ईवीएम में गड़बड़ी करके कब्जा कर चुके हैं, 350 जजेस ब्राह्मण है, हाईकोर्ट के 350 जजेस ब्राह्मण है, ये कैसा लोकतंत्र है? 28 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, 28 के 28 ब्राह्मण है। तो ये जो ब्राह्मण लोग है, ये मोहन भागवत के साथ सेटिंग करते हैं, ये लगते जजेस है मगर ये अपने जाति का फिक्र कर रहे, न्याय के आधार पर फैसला नहीं ले रहे। हम यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों हम लोग सड़क पर आए? अगर हम गुनेगार होते तो हमको जेल में डाल देते, अगर हम कोई अपराध करते तो जेल में डाल देते। मैं हमने ज्ञापन ही नहीं दिया, वो 2 सेट की किताब हमने उनको दिया, उसमें हमने 1 सबूत नहीं दिया, हजारों सबूत दिया। मथुरा में क्या है, जो विवादित जगह है, वहाँ पर 1854 में सर मेजर जनरल कनिंगहम नामक अंग्रेज अफसर वहाँ आया, उसने वहाँ पुरातात्विक उत्खनन किया, अध्ययन किया, तो उसको उस दीवार पर नक्शा मिला कि कैसा विहार था। वहाँ पर बुद्धकालीन
स्तंभ मिले और वहाँ पर महामाया की मूर्ति मिली और जो वहाँ कुआं था उस कुएं के अंदर तथागत बुद्ध की मूर्ति मिली। ये पुरातात्विक अवशेष उसने उस समय में लाहौर म्यूजियम में रखे हैं। अगर न्यायपालिका न्याय करना चाहती है, अरे ये हम रिपोर्ट हमने नहीं छापा, भारतीय पुरातत्व विभाग ने छापा। और अगर न्यायपालिका लाहौर म्यूजियम को कहती है कि हमें मथुरा का फैसला करना है और यहाँ पर जो चीज मिली है वो विभाजित भारत पाकिस्तान के अंदर है और वो चीजें लाहौर म्यूजियम में है, वो चीजें यहाँ एक दिन लाकर हमें कोर्ट में दिखाओ। कोर्ट को अधिकार है, हमारा ये विरासत है। केवल यहाँ केवल हमारी विरासत नहीं है, जम्बूद्वीप का राजा प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जो गुरु था उसका नाम है बदंत उपगुप्त महाथेरो, वो मथुरा के थे। हमको सम्राट अशोक मालूम है मगर सम्राट अशोक का जो गुरु है वो यही के निवासी थे जिसके मार्गदर्शन पर सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। 84,000 क्यों बनाया? क्योंकि तथागत शाक्य मुनि बुद्ध ने 80 बरस घूम घूम कर बहुजनों का कल्याण करने के 84,000 सूत्र बताए, 84,000 उपदेश किए। इसलिए अशोक राजा ने 84,000 स्तूप और विहारों का निर्माण किया। बुद्ध जितनी वचन बोले उतने विहार बनाए। हमारा सवाल है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप और विहार कहाँ गए? वो ये जो भारत में प्रसिद्ध मंदिर है वो सारे सम्राट अशोक के विहार है। तो हम लोग यहाँ से ये संदेश लेकर जाते हैं, अगर ये लोग नहीं मानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट पुरातत्व को माइनस करके अगर फैसला देते हैं तो हम ऐसे जजमेंट को जला देंगे। जो तुम आस्था और श्रद्धा के नाम पर फैसला दोगे, तुम ब्राह्मण बन के फैसला दोगे, तो फिर ऐसे फैसले को हम मानने वाले नहीं है। अयोध्या का फैसला न्याय के मापदंड पर दिया गया फैसला है? बिल्कुल नहीं। किस आधार पर फैसला दिया? आस्था और श्रद्धा, आस्था और श्रद्धा। अरे तो फिर आप कहोगे वर्ण व्यवस्था मानना मेरी आस्था है, जाति व्यवस्था मानना मेरी श्रद्धा है, ये कहकर तो तुम हमको गुलाम बना के आए हो। आस्था और श्रद्धा को आधार बनाकर आप फैसले दोगे, हम उसे मान्यता नहीं देंगे। रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है, रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, रामायण कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है और वो बुद्ध के बाद लिखा गया है, इसलिए रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है। महाभारत काल्पनिक है, महाभारत के पात्र काल्पनिक है,